नमस्कार, सेवना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आईएनएस डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित बहुप्रतीक्षित विधेयक को गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में पास हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा दाव खेलते हुए मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा था, जिसे दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सरकार अब जल्द ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर इसे अमल में लाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला है। हरसिमरत ने सिद्धू को पाकिस्तानी एजेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू उस जनरल से गले मिलते हैं जो हमारे लोगों को मारता है। सिद्धू ने उनके साथ 3 दिन तक समय बिताया है। उनकी आतंकी के साथ फोटो को पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को सीधे तौर पर स्टैंड लेने के लिए कहा है और सिद्धू को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की है। आईएनएक्स मीडिया डील मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पी चिदम्बरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर लगे रोक को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। उनकी गिरफ्तारी पर लगे रोक 19 नवंबर यानी गुरुवार को खत्म हो रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट इससे पहले भी पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 6 बार स्टे लगा चुका है। झाबुआ जिले में पितोल गांव में डॉक्टर राहुल के क्लिनिक पर गर्म सरिया से दाग दिए गए 2 बच्चों को एडमिट कराया गया है। इनमें से एक बच्चा नरेश बिलवाल का है और दूसरा बच्चा कल सिंह का है। दोनों बच्चों को जन्म के बाद सर्दी खांसी होने से हाल पीलिया बीमारी की आशंका में माता पिता गुजरात के जालत गाँव में ओझा के पास ले गए थे, जहाँ ओझा ने गर्म सरिया बच्चों के पेट पर दाग दिया। परिवार के बिखरने और बदहाली से अजीज बाजरिया गांव की महिलाओं ने शराब के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बहरीच जिले की महिलाओं ने नशा मुक्ति वाहिनी नाम से अपना संगठन बनाया और उसके बाद शराब की भट्टियों पर दावा बोलने निकल पड़ी। इस संगठन ने एक ही दिन में 13 शराब भट्टियां जला दी। महिलाओं ने कहा अब गाँव में किसी को ना तो शराब पीने देंगे और ना ही बनने देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए सेवन न्यूज के साथ। नमस्कार।